डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पायला। इससे पहले अपन ने पायला की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, दूसरे वीडियो में अपन ने पायला का इंटरनल एनाटॉमी पढ़ी है, और थर्ड में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, और फोर्थ वीडियो जो आज अपन बनाने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पायला। पायला के अंदर श्वसन तंत्र, पायला एक एम्फीबियस एनिमल है, यानी वो पानी के अंदर भी रहता है, और पानी जब नहीं होता है या फिर कई बार पानी से बाहर आकर के वो किनारे के ऊपर है, वो पत्थरों के ऊपर चलता भी है, तो वो उस समय वायवीय श्वसन करता है, एरियल रेस्पिरेशन करता है। तो ये यहाँ पे दोनों प्रकार के श्वसन करता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी होता है इसमें और एरियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी के अंदर इसके दो ऑर्गन होंगे, एक एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए और दूसरा है वो एरियल रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? टीनिडिया या गिल, यहाँ पे जो गिल होते हैं उनको टीनिडिया भी कहते हैं। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के अंदर टीनिडिया काम आते हैं, और एरियल रेस्पिरेशन में पल्मोनरी शेक काम में आते हैं। थर्ड एक संरचना अपन ने और लिख रही है न्यूकल लोब, जिसको अपन ने पहले वीडियो में काफी बताया था कि इसके अंदर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में राइट स्यूडोपिपोडियम और लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम होता है, उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूकल लोब। तो ये न्यूकल लोब एक तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये एसेसरी ऑर्गन के काम में करते हैं। तो यहाँ पर दो संरचना मेन कौन सी है? टीनिडिया और पल्मोनरी शेक। एक एक को लेते हैं, सबसे पहले अपन टीनिडिया को लेते हैं। पायला के अंदर एक ही टीनिडिया होता है, एक ही गिल होता है, और वो गिल है वो उसकी एक मेन एक्सिस के द्वारा वो बॉडी के ऊपर चिपका रहता है। तो ये इसकी जो एक मेन एक्सिस होती है टीनिडिया की, ये यहां पर अपने एक टीनिडिया बना रखा है। मोनोपेक्टिनेट होता है, ये इसकी एक्सिस है, और इसकी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से जैसे ये एक्सिस है, और यहां पे इस तरीके से ये टीनिडिया, ये लेमिली लगी रहती है। इस तरीके से ये लेमिली लगी हुई है यहां पे, तो ये मेन एक्सिस हो गई, और इस एक्सिस के ऊपर खूब सारे क्या लगे रहते हैं? लेमिली लगी रहती है। इन लेमिली की विशेषता ये होती है कि ये लेमिली जो एंड होता है, गिल का जो एंड होता है, वहां पर इनकी जो लंबाई है वो कम होती है, यहां पर और यहां पर लंबाई कम होती है, और जैसे जैसे ये मध्य में जाती है लंबाई इनकी बढ़ती जाती है, और वापस है वो किनारे की तरफ जाती है तो इनकी लंबाई है वो घटती जाती है। तो इनका मतलब उत्तरोत्तर लंबाई पहले बढ़ती है और उसके बाद में लंबाई वापस घटती है, किसकी? लेमिला की। तो इस प्रकार की संरचना ब्रिंकेल, अपन ने पहले भी बताया था कि पायला के अंदर एक कोलुमेला के पास में एक छोटा सा उभार होता है जिसको एपिटीनिया बोलते हैं। ये अपने यहाँ पर डायग्राम में बना भी रखा है एपिटीनिया। ये एपिटीनिया क्या करता है? इसकी बॉडी के दो भाग बना देता है, एक तो ब्रिंकेल चैम्बर होता है और एक होता है पल्मोनरी चैम्बर। यहाँ पे ये जो गिल है वो किस में पाए जाते हैं? ब्रिंकेल चैम्बर में। जैसे देखिए ये एपिटीनिया दिखा रखा है अपन ने, यहाँ पर जो डायग्राम बना रखा है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पीछे के डायग्राम में अपने माउथ नीचे की तरफ करके डायग्राम बनाया था। पीछे के डायग्राम में जितने भी अपने डायग्राम बनाए हैं पायला के, उनमें जो माउथ था वो नीचे की तरफ दिखाया था अपने डायग्राम में। यहां पर अपन क्या करें, माउथ को ऊपर की साइड में दिखा रखे, ये माउथ है, ये टेंटेकल्स वगैरह, आई वगैरह। तो ये एपिटीनिया है, ये क्या हो गया? पल्मोनरी चैम्बर, और ये क्या हो गया? ब्रिंकेल चैम्बर। तो इस ब्रिंकेल चैम्बर के अंदर देखिए आप, ये यहां पे क्या लग रहे हैं? टीनिडिया लगे हुए हैं, ये टीनिडिया है, और इसके ऊपर ये खब्स खूब सारी क्या लगी, ये पूरा का पूरा एक टीनिडिया है, और इस टीनिडिया के ऊपर ये खूब सारी क्या लगी रखी है? गिल लेमिला लगी हुई है, ठीक है। तो ये कहां पाया जाता है? ब्रिंकेल चैम्बर में। ये ब्रिंकेल चैम्बर है, और ये क्या है? पल्मोनरी चैम्बर है। तो इस ब्रिंकेल चैम्बर के अंदर खूब सारे गिल एक ही होता है, मोनोपेक्टिनेट होता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लेमिला लगी होती है वो एक ही साइड में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोपेक्टिनेट गिल बोलते हैं, और इसमें ये खूब सारी लेमिली लगी हुई होती है। एक लेमिली को अपन अगर देखें तो इस प्रकार की, ये एक लेमिली इस किसी एक को उठा के लगी, अपन ने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। इस एक लेमिली को अपन देखें तो ये ट्राइंगुलर होती है,
और एक एक्सिस के ऊपर लगी हुई है। अब ये इसकी मेन एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो बाकी की सारी गिल्स क्या होगी, इसके पीछे की तरफ होगी या इसके आगे की तरफ होगी, और ये इसका क्या हो गया, मेन एक्सिस। अब देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये मेन एक्सिस है, आपको एक लिंब मिला तो पूरा कंप्लीट दिख रहा है जो कि ट्राइंगुलर है, ठीक है, और बाकी की लिंब मिला, देखिए ये लिंब मिला रही, ये और ये पीछे की साइड में, तो ये इसकी मेन एक्सिस है। तो ये किसका पार्ट हुआ, ये भी एक्सिस का पार्ट है, तो ये भी एक्सिस का पार्ट है। तो इस प्रकार से खूब सारी इसके अंदर गिल लेमिला लगी रहती है। इस गिल लेमिला के अंदर जब पानी प्रवेश करता है तो इस एक्सिस में प्रवेश करता है किसके द्वारा, एफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा, एफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा इसके अंदर पानी प्रवेश करता है जो कि अनाक्सित होता है, डिऑक्सीजनेटेड होता है, और वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसके अंदर से प्रवेश करता है और वापस बाहर निकलता है, वो किसके द्वारा निकलता है, इफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी ऑक्सीजनेटेड होकर के बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर गिल्स की संरचना होती है। अब इस एक लेमिली का अगर अपन काट काट के देखें, यहां पे टीएस अगर देखें, टीएस ऑफ लेमिला, इस टीएस ऑफ लेमिला में अपन देखें तो खूब सारी क्या है, ये इसकी सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम है पूरे के अंदर, क्या है, एपिथेलियम है, और उस एपिथेलियम को भी अपन ने क्या कर रखा है, दो में डिवाइड कर रखा है। ये इतनी एपिथेलियम जो है वो क्या कहलाती है, सिलिएटेड एपिथेलियम, और क्योंकि यहां पर सीलिया है इसलिए इसको सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, और इस पोर्शन के अंदर सीलिया नहीं होते तो इसको नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लैंडुलर सेल्स भी होती है, बीच बीच में इसमें क्या पाई जाती है, ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाती है। तो ये पूरी की पूरी एक गिल लेमिला किसके ऊपर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी रहती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर किस पे आता है, कनेक्टिव टिश्यू से चिपका रहता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के नीचे फिर क्या है, पेरियल एपिथेलियम है, और ये पेरियल एपिथेलियम है वो एक्सिस के साथ में जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से ये इसकी एक लेमिला का अपन ने जिक्र किया है, यानी एक गिल, गिल के अंदर खूब सारी लेमिला, प्रत्येक लेमिला ट्राइंगुलर होती है और वो सारी की सारी एक एक्सिस से जुड़ी रहती है, उसी एक्सिस के द्वारा इसमें एफरेंट ब्लड वेसल्स जाती है और वापस भी जो निकलती है वो इफरेंट ब्लड वेसल्स निकलती है। इसके द्वारा पानी है वो, इसके द्वारा जो पानी प्रवेश करता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वापस आता है वो ऑक्सीजनेटेड आता है। अब पहले अपन पढ़ते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन का ऑर्गन कौन सा हो गया, टिनिडिया या गिल। एक छोटा सा जो चीज बताता हूं आपको कि पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा सवनीय होता है, वेस्कुलर होता है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए कि पानी केवल उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर से निकलता है, पानी केवल उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर से निकलता है, और उतनी देर के अंदर जब उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर से जब पानी निकलता है तो उतने समय में क्या होगा, ऑक्सीजन उस ऑर्गन के अंदर चली जाएगी और उस ऑर्गन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार की संरचना होनी चाहिए कि उस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें पानी थोड़ी देर रुके, और रुकने के लिए देखिए आप ये अपने गिल लेमिला बना रखा है। इस गिल लेमिला में देखिए यहां पर अपन ने क्या बना रखा है, प्रत्येक गिल लेमिला में प्लीट्स होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लीट्स। ये ट्रांसवर्स प्लीट्स क्या होती है, प्रत्येक गिल लेमिला के ऊपर उभार होता है, ये उभार है, तो जब इसके ऊपर से पानी निकले गिरे जब इसके ऊपर से पानी जाएगा तो इन उभार की वजह से यहां पे क्या होगा, पानी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ये यूं होगा, प्लीट्स, ये प्लीट्स है, ये प्लीट्स है, ये प्लीट्स है, ये प्लीट्स है, तब पानी जब यहां से गुजरेगा तो थोड़ी देर के लिए गड्ढे में या इस उभार के गड्ढा है उसमें थोड़ी देर के लिए पानी रुकेगा, और उतनी देर में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, गैसों का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा इतनी देर में, तो ये यहां पर प्लीट्स पाई जाती है, तो यही मेन चीज है। अब देखिए आप यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है एक्वेटिक रेस्पिरेशन का,
इस एक्वेटिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या है, गिल कैसे काम करता है। ये अपन ने पता है लेफ्ट नुकल लोब, जिसको अपन ने लेफ्ट सुडी पिपोडियम भी बोला था, और ये वाला राइट नुकल लोब है, इस लेफ्ट के द्वारा पानी प्रवेश करता है। अब आप इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप ये सोचते हो इस डायग्राम को देख करके आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो कवच है इसका, ये कवच नहीं है, ये माउथ वाला पोर्शन है, टेंटिकल है, ये आई है, और आई के बाद में जो आपको नीचे जो सबसे पहले एक बार एक डायग्राम बना के बताया था इस तरीके से, यहां पर अपने माउथ बनाया था और यहां पे अपने सुडोपोडियम दिखाया था और न्यूकल लोब दिखाया था, और यहां पे अपने एक डिवाइड करके ये बताया था कि ब्रेंकियल चेंबर है और ये क्या बताया था, एट्रियल चेंबर है। तो यहां से पानी प्रवेश करता है, तो उस डायग्राम को अपने उल्टा दिखाया, तो ये न्यूकल लोब से पानी प्रवेश करता है और पानी प्रवेश करके ये कहां पर आता है, ब्रेंकियल चेंबर के अंदर। जब ये ब्रेंकियल चेंबर में, यहां ये दिखा दिया अपने एपिटेलियम, अब एपिटेलियम तो यहां दिखा दिया, ये ब्रेंकियल चेंबर है और ये क्या है, पल्मोनरी चेंबर है। इस ब्रेंकियल चेंबर में ये अपने गिल्स दिखा रखे हैं, जब गिल्स के ऊपर से पानी जाएगा तो उतनी देर में क्या होगा, इन गिल्स के ऊपर ये प्लीट्स है और इन प्लीट्स के अंदर थोड़ी देर के लिए पानी रुकेगा, इतनी देर में क्या होगा, यहां पर गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन पानी के अंदर है वो अंदर चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है वो पानी के अंदर आ जाएगी और बाहर ये दाई न्यूकल पानी के द्वारा, राइट न्यूकल लोब के द्वारा वो पानी बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन पल्मोनरी शेक की। पल्मोनरी शेक क्या है, यहां पर ये अपन ने क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है पल्मोनरी चेंबर। इस पल्मोनरी चेंबर में ऊपर की साइड में मेंटल के नीचे क्या होता है, एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जो आपने पहले भी जिक्र किया उसको बोलते हैं पल्मोनरी शेक। और उस पल्मोनरी शेक में क्या होगा, एकदम समनीय है, वो भी वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें भी ब्लड की सप्लाई काफी मात्रा में होती है। तो यहां पर जब जंतु पानी से थोड़ा सा बाहर निकलेगा, अपने मुंह को बाहर निकाल कर रखेगा, तो उसकी जो लेफ्ट न्यूकल लोब है वो भी बाहर की तरफ निकली रहेगी, तो वहां से क्या होगा, वायु अंदर प्रवेश करेगी, और जब वायु अंदर प्रवेश करेगी तो वहां से क्या होगा, यहां पे इसमें क्या पाया जाएगा, पल्मोनरी शेक। इस डायग्राम को देखिए आप, यहां से बाहर से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर रही है पानी के द्वारा, पानी के साथ में ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। तो यह देखिए, ये अपन ने क्या दिखा रखा है, पूरा का पूरा इसका पल्मोनरी शेक दिखा रखा है, ये अपन ने यहाँ पर हार्ट दिखा रखा है। इस पल्मोनरी शेक के अंदर देखिए खूब सारी ब्लड सप्लाई है, और जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी पानी के साथ में, तो वो किस में जा रही है, पल्मोनरी शेक के अंदर, और पल्मोनरी शेक के अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान करती है, और पानी है वो वापस वही यहाँ पर, ये पोजीशन अपन ने यहाँ पे दिखाई है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, पल्मोनरी शेक पाया जाता है, और उस पल्मोनरी शेक के अंदर ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है और बाकी पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एरियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर दो मैंने बताया आपको, एक तो टिनिडिया जिसके द्वारा एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है, और दूसरा बताया पल्मोनरी शेक जिसके द्वारा एरियल रेस्पिरेशन होता है, और ये अपन ने इसकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म बताई है। तो इस प्रकार से पायला के अंदर रेस्पिरेशन होता है टिनिडिया के द्वारा और पल्मोनरी शेक के द्वारा। थैंक्स।